सोलन में नगर परिषद द्वारा कुछ दिनों पहले डस्टबिन लगाए गए, लेकिन ये डस्टबिन कुछ ही दिनों में टूट गए। ये खबर मीडिया में आने से नगर परिषद ने नए डस्टबिनों को बेल्ट करवाकर ठीक करवा दिया। हाथ तो ये है कि मरम्मत के बाद ये फिर से दोबारा टूट गए, जिससे उनकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब तो कांग्रेस ने भी इनकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाने आरंभ कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं के अनुसार सोलन नगर परिषद सोलन नगर वासियों का पैसा बर्बाद कर रही है और बिना गुणवत्ता को जाने शहर में कूड़ादान लगाए जा रहे हैं। ये आरोप सोलन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश यूद ने नगर परिषद पर लगाए हैं। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश यूद ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन में नगर परिषद द्वारा लगाए गए डस्टबिन बेहद ही घटिया स्तर के हैं, क्योंकि शहर में लगे डस्टबिन लगते ही टूटने लगे हैं। यहाँ तक कि नए डस्टबिनों को नगर परिषद एक बार रिपेयर भी करवा चुकी है, लेकिन रिपेयर करने से भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे प्रतीत होता है कि नगर परिषद सोलन शहरवासियों का पैसा बर्बाद करने में लगी हुई है। शहर में लगे अधिकांश डस्टबिन टूटे पड़े हैं, जिन्हें लगाए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अंकुश ने कहा कि वे इस बारे में सोलन के विधायक को जानकारी दे चुके हैं। वे इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे, ताकि सोलन नगर परिषद की मनमानी पर नकेल कसी जा सके। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, कुछ दिन पहले भी हम इन सोलन में लगने वाले डस्टबिनों की समस्या को लेकर आपके सामने आए थे। फिर नगर परिषद ने आनन फानन में कुछ डस्टबिनों को रिपेयर तो कराया, पर आप देखेंगे कि अभी सिर्फ 3 या 4 दिन ही बीते हैं या किन्हीं डस्टबिन को रिपेयर कराए सिर्फ हफ्ता ही हुआ है और वो डस्टबिन अब फिर से उसी कंडीशन में आ चुके हैं। अगर आप जौनाजी रोड की तरफ जाएंगे वार्ड नंबर 8 में, तो वहाँ डस्टबिन का इतना बुरा हाल है कि उसके दरवाजे तक जो है वो तोड़ दिए गए हैं। अगर आप कोटा नाला में लगे हुए डस्टबिन की हालत देखें, तो अभी कुछ ही दिन पहले लोगों की शिकायत करने के बाद उसे ठीक किया गया था, परंतु आज फिर से उसका वही हाल है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि नगर परिषद सोलन की जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है और घटिया क्वालिटी के जो डस्टबिन है वो सोलन के शहर के अंदर लगाए जा रहे हैं। जो इतने बढ़िया डस्टबिन पहले बने हुए थे, न जाने उन्हें सोलन नगर परिषद ने कहाँ फेंक दिया। और अब जब नए डस्टबिन सोलन नगर परिषद बना रही है, एक तो ये इतनी खामियों के साथ बना हुआ डस्टबिन है कि जिसमें एक विंडो तक नहीं है कि जो लोग हैं उसमें बिना टच करे उसे कूड़ा फेंक सके। हमने अपने माननीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल जी के संज्ञान में ये बात लाई है और उससे ये विधानसभा में भी उठाएंगे, क्योंकि सोलन नगर परिषद इस समय ना तो बीजेपी अपने पार्षदों की सुन रही है, ना अपनी सरकार की सुन रही है। मौज मस्ती के अंदर जो है और हिटलर शाही के अंदर जो है सोलन नगर परिषद चल रही है। किसी भी बात को, किसी भी सुझाव को मानने के लिए सोलन नगर परिषद तैयार नहीं है। तो बहुत ही घटिया क्वालिटी के डस्टबिन जो है वो सोलन शहर में लगाए जा रहे हैं, जिससे साफ लगता है कि सोलन की जनता का टैक्स का जो पैसा है वो सोलन नगर परिषद बर्बाद कर रही है। तो हमारा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे, जो सरकार भी इस ओर ध्यान दे कि जो हालत सोलन ने, नगर परिषद ने डस्टबिनों की और डस्टबिनों को लगाने से सोलन वासियों की कर दी है, वो एक चिंताजनक विषय है। और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे विधायक साहब इसको अच्छे पटल पर उठाएंगे और जल्द से जल्द सोलन की आम जनता को ऐसे घटिया डस्टबिनों से निजात दिलाएंगे। मैं बताना चाहूँगा, जो क्वालिटी है वो क्वालिटी ही जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिस वजह से मुरम्मत होने के बावजूद भी, जब पहले ही बनाए, अभी बनाए हुए कितना टाइम हुआ, अगर मुरम्मत की बात तो हम तब कहते अगर इसे लगे हुए 1 साल 2 साल हो जाते, अभी तो इंस्टॉल ही करे थे, इंस्टॉल करने के 2 दिन बाद ही ये टूटने शुरू हो गए। तो ये मैं बोलूँगा मुरम्मत नहीं, ये तो जो क्वालिटी है वो बहुत घटिया है और घटिया क्वालिटी के साथ जो ये बनाए जा रहे हैं, इन्हीं के पार्षद, इन्हीं के ऊपर भाई भतीजावाद का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी घटनाएँ शहर में हो रही हैं, तो हमें भी लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सच्चाई है।